दोस्तों, पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती है। सभी के वही दो पंजे, दो पंख और एक गर्दन ही होती है। लेकिन इनमें से एक पक्षी ऐसा भी है जिसकी एक अलग पहचान है, जो आसमान में सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर यानी कि 120 किमी की रफ्तार से उड़ना जानता है, जो कि खुद से कई गुना अधिक वजन के शिकार को अपने पंजों में दबोच कर उड़ जाता है। और इसलिए पक्षियों का राजा भी उसे कहते हैं, जिसे हम ईगल के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं ईगल के बारे में, कुछ खूंखार मोमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप करे हुए एंड तक बने रहे। साथ में आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों, आप जानते हैं ईगल के बारे में यानी कि बाज के बारे में। दोस्तों, बाज एक ऐसा शिकारी पक्षी है जो अपनी तेज, शक्तिशाली और अचानक से वार करने वाला पक्षी है। दोस्तों, ईगल की लगभग 60 प्रजातियों मौजूद है। ये पक्षी 2 फीट लंबे होते हैं और उनकी पूंछ लंबी और फैली रहती है, जिनका वजन 217 ग्राम से लेकर 4 किलोग्राम जितना होता है। दोस्तों, ये दिखने में मध्यम आकार और काफ़ी आक्रामक चिड़िया है, जिनकी पंख काफ़ी लंबी और सिर काफ़ी छोटा होता है। दोस्तों, बाज के पंख सुनहरे, काले या भूरे रंग में होते हैं और उनकी चांच पीले रंग की होती है। दोस्तों, बाज 6 किलो वजन लेकर आसमान में आसानी से उड़ सकते हैं। बाज की आंखें काफ़ी तेज होती है, जो कि इंसानों की आंखों से 3 गुना ज़्यादा साफ और दूर की चीज़ों को आसानी से देख सकती है। बाज अपनी तेज नज़र से पानी की सतह पर तैर रही मछली पे नज़र रखते हैं और मौका पाते ही अपने पंजों से लेकर आसमान की ओर चल पड़ते हैं। दोस्तों, मादा बाज एक बार में 2 या 3 अंडे देते हैं। दोस्तों, बाज आसमान में 12,000 फीट तक उड़ान भर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये बिना गर्दन घुमाए 340 डिग्री तक देख सकते हैं। बाज दूर और पास की चीज़ों को एक समान देख सकते हैं, वो भी साफ साफ। दोस्तों, बाज अपना घोंसला ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर या गगनचुंबी पहाड़ों या चट्टानों पर बनाता है। ये अपना घोंसला 6 फीट तक चौड़ा बनाता है, जिसमें एक इंसान आसानी से आ जाता है। दोस्तों, बाज की एक खासियत होती है, ये कभी अपना घोंसला छोड़कर दूसरी जगह पर नहीं जाते, जो कि दूसरे पक्ष से मौसम के हिसाब से अपने जगह और घोंसले चेंज करते रहते हैं। ठंडे ही मौसम में गर्म जगह पर और गर्म मौसम में ठंडे जगह पर आ जाते हैं, लेकिन ईगल ऐसा कभी नहीं करता। वो एक ही जगह पर अपना घोंसला कायम रखता है, चाहे ठंड क्यों ना हो या गर्मी क्यों ना हो। ईगल की आयु तकरीबन 17 साल की होती है। बाद 40 साल का होता है तब परेशानी उसकी ज़िंदगी में मौत बनकर आती है, जो अपनी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उससे शिकार निकलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भी बारी हो जाते हैं, जो कि साथी से चिपकने लगते हैं, जो कि उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। उसके पंजे भी काफ़ी लंबे हो और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही जगह पर नहीं पकड़ पाते। बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते बचे होते हैं जिसको जीवन जीने के लिए। पहला रास्ता है, वो अपना शरीर को त्याग कर सकता है। दूसरा रास्ता है, गिद्ध की तरह सड़े हुए भोजन पे वो निर्भर रहे। और सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता वो चुनता है, जो अपना नया जीवन जीने के लिए। वह तीसरा रास्ता, वह अपनी चोंच का चट्टान पे मार मार कर तोड़ देता है और लोह लुहान हो जाता है और इंतज़ार करता रहता है जब तक नई चोंच ना उगाए। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है, फिर इंतज़ार करता है नए पंजे को उगाने का। उसके बाद वो अपनी पंख अपने शरीर से अलग करता है, जो कि इंतज़ार करते हुए नए पंख आने का। इस प्रक्रिया में 5 महीने लग जाते हैं। इन 5 महीनों की कड़ी तपस्या से बाज पुनः जन्मर होता है, फिर तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीरकर उड़ने के लिए। दोस्तों, बाज का जीवन काफ़ी मुश्किलियों से गुजरता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।